एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं 3 एफ जी और एच। बड़े आसान क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। रूट्स आपको गिवन है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फाइंड करनी। ये दो रूट्स दिए हुए हैं एफ में, आपने एस निकालना है। एस आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पिछले में था माइनस बी ओवर ए, वो इसलिए हम यहाँ पे लगाते थे क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी। यहाँ पे सिर्फ हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, रूट्स दी हुई हैं, तो हमने एस दोनों को प्लस कर दिया। माइनस वन माइनस सेवन माइनस ए, प्रोडक्ट पी माइनस वन मल्टीप्लाइड माइनस सेवन प्लस सेवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। एस की जगह पे हम एस की वैल्यू लगा देंगे, पी की जगह पे हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेम वन प्लस एटा वन माइनस एटा सम कर दिया, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट में आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन है, तो आपने इकट्ठा करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि माइनस वन के इक्वल होता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, आपका आंसर टू आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको वैल्यू लगा देंगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सेम क्वेश्चन नंबर एच है बिल्कुल सेम, इस तरह का वन माइनस एटा वन प्लस एटा की तरह।